छोटी छोटी बातें जो है ना वो हमको इग्नोर करनी चाहिए, भूलना चाहिए। हम छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, पकड़ बैठते हैं और दिमाग में रखते हैं, वो थॉट्स बढ़ते जाते हैं, निगेटिव थॉट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, दिमाग में चिक 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 शुरू हो जाती है और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। देखो, किसी ने कोई आता है, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, वो आपका हो सकता है कि रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका परिवार वाला है, उसने आपको कुछ बोल दिया, आपको इंसल्ट लगा, आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आ गया, आपने पकड़ के रख दिया। अब होगा क्या, यदि आप वो पकड़ के रखते हो तो आपकी एनर्जी वहाँ खलास हो जाती है। मैं सारा बोलता हूँ कि आप एक रेंट फ्री स्पेस दिमाग में दे रहे, जिसका किराया भी नहीं मिल रहा है, ऐसे थॉट आप दिमाग में रख रहे हैं, वो आपके दिमाग की जगह ऑक्यूपाई करके बैठ रहे हैं और आपकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आप उसमें लगे रहते हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है वो। देखो, आप जब कभी ऑटो में जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, आपके हाथ में दो बैग्स है, कोई पूछता है आपको कितना वजन है इसका? नहीं, क्योंकि वो जमीन में चलने वाली व्हीकल है। आप हवाई जहाज में जाते हो तो 15 किलो के ऊपर आप लेकर नहीं जा सकते। आपको बोला कि नहीं, 15 किलो नहीं, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि हवा में हवाई जहाज को उड़ना पड़ता है। यदि आपको उड़ना है, तरक्की करना है, जीवन में ऊंचा जाना है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। और हल्का होना पड़ेगा मतलब दिमाग लाइट रखना पड़ेगा, दिमाग क्रिएटिव रखना पड़ेगा, दिमाग में बहुत सारा ऑक्यूपाई करके नहीं रखना चाहिए। देखो, मेरे ऊपर कंधे के ऊपर समझो दो वजन रख दिए, यहाँ हाथ में दो वजन है, पीठ के ऊपर वजन है और मैं चल रहा हूँ, वो दिख रहा है कितना वजन है, तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। दिमाग में कितना वजन है उसका स्पीड मालूम पड़ता है? कितना कम हो गया तो मालूम ही नहीं पड़ता। दिमाग के अंदर वजन है, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हमने जहाँ का वहाँ पूरा करना चाहिए, कि जहाँ का वहाँ कंप्लीट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अभी समझो, मैं ये मोबाइल मेरे पास में है, ये मोबाइल मैंने आप ऐसा हाथ में रख दिया, ये हाथ में रखा, ऐसा रखा, 5 मिनट तो कुछ नहीं होगा, 10 मिनट थोड़ी तकलीफ, 15-20 मिनट, आधा घंटा और थोड़ी तकलीफ, 1 घंटा और अभी हाथ दुखने लगेगा, कुछ समय के बाद में मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मेरा हाथ हल्का हो जाएगा और फिर ये हाथ कुछ काम कराएगा। हम ऐसे बहुत सारे वजन लेकर चलते रहते हैं और फिर काम करते नहीं। देखो, हमको गुस्सा आ गया तो डेफिनेटली वो गुस्सा जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर हम काम के नहीं रहते। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे खराब हो जाएंगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा और फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। इंसल्ट किया, कुछ लोग बोलते हैं हाँ उसने ना मेरा इंसल्ट किया 2 साल पहले। अरे 2 साल हो गए, 4 साल पहले उसने कुछ बोला आपको, वो आप दिमाग में रख रहे, एक दिन बदला लूंगा। बदला तो लेना हुआ नहीं 4 साल, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, आपको बीपी लग जाएगा, आपको डायबिटीज होगा, आपको नींद नहीं आएंगी, नींद खराब हो जाएंगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो आपको ज़िंदगी में उड़ना है ना, ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा। देखो, रॉकेट जाता है ऊपर, रॉकेट ऊपर जाता है तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद में उसका आधा हिस्सा छोड़ देते हैं, नीचे हल्का कर देते हैं। तो हल्का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बोझ और फिर इसके लिए छोटे प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर ख्याल देने का नहीं है। देखो, आपको सर दर्द हो गया, आप दुकान पे जाते हो, डॉक्टर के पास में जाते हो, आपको क्रोसिन की गोली देगा, 1 रुपए की गोली है, सर दर्द ठीक हो गया, ज़्यादा पैसा मिला नहीं। छोटे प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा पैसा भी मिलता नहीं है। छोटे प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक हार्ट सर्जन है, हार्ट का ऑपरेशन करता है, 10-12 लाख का बिल बनाता है, हॉस्पिटल का 10-12 लाख का खर्चा हो जाता है हार्ट का ऑपरेशन कर लिए तो, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा है, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आप आपका समय बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाओ, छोटे छोटे प्रॉब्लम में मत अटको। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, फिर उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, टाइम पास क्यों करते हो? हो सकता है कि किसको आपने 8 साल पहले पैसा दिया, 5 साल पहले पैसा दिया, पैसा वापस नहीं कर रहा, आप वो दिमाग में रख रहे, उसको उल्टा पुल्टा बोल रहे, संबंध खराब करके रख रहे, क्या फ़ायदा है? आप जितना छोटा काम करेंगे उतना कम, जितना छोटे गुंताड़े में रहेंगे, जितना ज़्यादा चिक चिक छोटा आपके दिमाग में चलेगा, उतनी आपकी तरक्की होंगी नहीं। एक वर्कर है, वो 8 घंटे काम करता है, उसको कम पैसा मिलता है। मैनेजर जो है वो ऐसे 10 वर्कर को मैनेज करता है और 10 वर्कर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो मैनेजर को ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आप ऐसे व्यक्ति बनो कि छोटी छोटी बातें इग्नोर करो, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो, हल्का बनो, दिमाग खाली रखो। दिमाग में ये भी नहीं रखना कि वो काम करना है, ये काम करना है। जितना ज़्यादा दिमाग भरा रहेगा तो उतना ज़्यादा आपका काम नहीं होगा। वो सब गैजेट्स अपने पास में उसमें डालो, उसमें अलार्म लगाओ ताकि आप भूलेंगे नहीं, और दिमाग खाली रखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप सोच पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, कुछ चैलेंजेस का स्वीकार करेंगे, कुछ रिस्क लेंगे
और आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।